हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला, जो कि सेंट्रल डिफेंस के ऊपर बना हुआ है। तो सबसे पहले है हमारे पास गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला। ये भी क्या काम करेगा, आपके पास एक एफ एक्स पॉलिनोमियल ही ड्राइव करेगा वाई नॉट प्लस पी इंटू डेल्टा ऑफ वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस वन डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट उसके बाद डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस पी डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल पी प्लस वन इंटू पी। यहां इसके बाद पी के बाद पी माइनस वन, फिर इस साइड आएगा पी प्लस वन, पी इंटू पी माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल इंटू डेल्टा क्यूब वाई अगेन माइनस वन। ये टू टाइम आएगा, एक बार वाई नॉट फिर वाई माइनस वन प्लस पी। यहां आपने पी प्लस वन चूज किया, इसके बाद क्या चूज करेंगे हम, पी प्लस वन तो वही रहेगा हमारा P, P माइनस वन और P माइनस टू डिवाइडेड बाय फोर फैक्टोरियल इंटू डेल्टा ऑफ फोर वाई। यहां माइनस वन आ चुका है, अब क्या आएगा माइनस टू प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है। इस बार हमने P माइनस टू को बढ़ाया था, अब क्या करेंगे P प्लस टू को बढ़ाएंगे, P प्लस टू P प्लस वन P P माइनस वन P माइनस टू डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल डेल्टा 5 y माइनस टू। एक बार आया तो डेल्टा 5 y माइनस टू दिस प्लस एंड सो ऑन। ये है हमारे पास गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला। गॉस बैकवर्ड में क्या है, वही है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस पी इंटू डेल्टा ऑफ वाई नॉट नहीं आएगा, इस बार क्या आएगा वाई माइनस वन प्लस यहां आपने पी माइनस वन पी के बाद पी माइनस वन लिखा था, इस बार क्या लिखेंगे हम पी प्लस वन इंटू पी ओवर टू फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन। वन टाइम आया, दूसरी बार यहां आएगा प्लस पी प्लस वन, इस बार हमने एड किया था, इस बार क्या करेंगे p प्लस वन हमारा वही रहेगा p इसके बाद p माइनस वन डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब y ऑफ इस बार क्या आएगा माइनस टू प्लस p माइनस वन एड किया, इस बार क्या करेंगे p प्लस टू p प्लस वन p p माइनस वन डिवाइडेड बाय फोर फैक्टोरियल इंटू डेल्टा फोर वाई ऑफ माइनस टू। वन टाइम आया माइनस टू प्लस पी, इस बार क्या ऐड किया था हमने पी प्लस टू, इस बार क्या ऐड करेंगे पी माइनस टू तो पी प्लस टू पी प्लस वन पी पी माइनस वन एंड पी माइनस टू डिवाइडेड बाय फाइव फैक्टोरियल डेल्टा ऑफ फाइव वाई माइनस टू टू टाइम आज का, इस बार क्या आएगा वाई माइनस थ्री। तो पी हमारा क्या है, पी हमारे पास वही पी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच। एच हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो भी आएगा वो होता ही है हमारे पास, दिस इज एच इज इक्वल टू एक्स आई माइनस वन। अब ये डराइव कैसे हुआ सेंट्रल डिफरेंस से वो हम देखते हैं, यहां टेबल से आपको क्लियर करवाएंगे। देखिए नेक्स्ट, देखिए ये हमारे पास है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। यहां से आपके पास नंबर चल रहे हैं एक्स माइनस फोर माइनस फाइव, यहां से चल रहे होंगे फिर माइनस थ्री माइनस टू एक्स माइनस वन एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। जैसे आप लोग इंटीजर लिखते हो ना, माइनस जीरो लिख के फिर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री लेफ्ट साइड में लिखते हो, फिर वन टू थ्री राइट साइड में लिखते हो, बिल्कुल एज इट इज है। यहाँ से स्विक्स लगे हुए हैं वो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन नॉट एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ये वैल्यू चलती जाएंगी इसके बाद में।
Similarly, y is minus 3 corresponding to x minus 3, y is minus 2, y is minus 1, y naught, y1, y2, y3. अब देखिए जो आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है ना, जो फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला है उसके अंदर क्या रहेगा उसका, y नॉट प्लस पी वाई नॉट। तो फॉरवर्ड हमें पता है कि यहाँ से चलता है ऐसे करके, तो हमने क्या करना है, हमारी इनिशियल वैल्यू यहाँ हमने p निकाला था किसके हेल्प से, x नॉट की हेल्प से। तो x नॉट देखिए क्या है, ये रहा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास y नॉट भी रहा। तो y नॉट से कहाँ जाएंगे हम, डेल्टा y नॉट, फिर डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, फिर डेल्टा क्यूब y माइनस 1, फिर डेल्टा 4 y माइनस 2, अगेन दिस ये प्रोसीजर। जब तक ये स्टॉप हो जाए तब तक चलते रहना आपने, स्टॉप ना हो तो चलते रहिए, जहां पर स्टॉप हो जाता है वहीं जाके रुक जाना आपने। सिमिलरली अगर आप लोग इसी में से, यही है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल एक ही काम करेगा। गॉस बैकवर्ड डिफरेंस में, गॉस बैकवर्ड जो फॉर्मूला है उसके अंदर क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट पी ऑफ डेल्टा वाई माइनस वन। अब यहां देखिए ये भी हमारा किस पे है, पी हमारा वही रहेगा, ये वाला चेंज नहीं हो रहा। तो p is equal to x minus x naught by h, इसका मतलब ये भी x naught से शुरू होगा, तो फिर ये कहां से जाएगा, y naught delta of y minus 1, यही यहां से जाएगा, उसके बाद फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, ये ऐसे चलेगा, क्योंकि इसके बाद देख लीजिए आप, इसके अंदर y naught अकेला आ रहा है, उसके बाद p of delta y minus 1 आ रहा है, उसके बाद ये यहां आएगा, तो delta square y minus 1 यहां आ गया, फिर delta cube y minus 2 ये रहा, फिर delta 4 y minus 2 ये रहा, फिर इसके बाद चलता जाएगा ऐसे। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको, नहीं हुआ तो बना के देख लेना खुद, हो जाएगा। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं इसका कि कैसे करना है, हमने सॉल्व कैसे करना है, उसी पे काम करते हैं हम। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, यूजिंग गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला इंटरपोलेट द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन फॉर ईयर 1964। इस ईयर के अंदर हमने इस टाउन की पॉपुलेशन को इंटरपोलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। दिस ईयर आपको दिया गया है 1939, 49, 59, 69, 79 एंड 89। और पॉपुलेशन क्या दी गई है, ये पॉपुलेशन 1000 है, तो 12000, दिस इज 15000, 20000, 27000, 39000 एंड 52000। तो इसका क्या बना लिया हमने, डिफरेंस टेबल बना लिया। देखिए कैसे, ये हमारा एक्चुअल में क्या होता है, जिसके हिसाब से, जिसको हम एक्स नॉट चूज करेंगे ना उसके हिसाब से चलना है हमने, क्योंकि डिफरेंस सेंट्रल डिफरेंस चल रहा था हमारे पास, यहाँ बीच में से चल रहा था ऐसे। तो जो वैल्यू हम चूज करेंगे, यहाँ देखिए हमने 1964 के ऊपर निकालना है, तो किसको चूज करें हम, इसको चूज कर लेते हैं, दिस इज एक्स नॉट। तो ये क्या होगा फिर, एक्स माइनस 1, दिस इज एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, दिस इज एक्स 1 and this is x2. Similarly, this is x naught and this is y naught. और यूज किसको करना है हमने, बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। तो देखिए ध्यान से, डेल्टा y निकाल लो, मीन्स ये हमारा क्या है, दिस इज y माइनस 3, ये क्या निकलेगा फिर, डेल्टा y माइनस 3, ये रहा हमारे पास, दिस इज डेल्टा y माइनस 3, और ये क्या निकलेगा, इसके बाद इसको निकाल देना, बिल्कुल। अब देखिए x नॉट हमारा ये है, तो ये y नॉट है, और निकालना क्या हमने, बैकवर्ड डिफरेंस यूज करना है, तो बैकवर्ड डिफरेंस कहाँ जा रहा था, ऊपर की तरफ, तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा ये y नॉट से यहाँ, ऐसे 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 यहाँ तक पहुँच जाएगा। क्लियर हो रहा है कुछ, ये y नॉट, क्योंकि फॉरवर्ड जब किया था हमने यहाँ पीछे चलना होता है ऐसे करके, लेकिन बैकवर्ड जब आएगा तो आपने ऊपर की तरफ चलना होता है, क्योंकि बैकवर्ड में नीचे वाली टर्म सेम रहती है, तो हमने ऐसे करके शुरू करना है। तो इसको करते हैं हम बैकवर्ड फॉर्मूले से, यहाँ लिख लीजिए पहले आप, चाहे जो जो आपको गिवन है वो लिख सकते हैं हम लोग। तो हमने यूज करना है किसको, फॉर बैकवर्ड को सॉरी, तो फॉरवर्ड हमारे काम का नहीं है, कुछ देख लीजिए, तो इसको साइड में कर देते हैं। यह है क्या हमारे पास, हियर एक्स नॉट इज इक्वल टू 1969। अगर x नोड आपके पास मिल चुका है और h हमारे पास डिफरेंस दिख ही रहा है वो कितना है, 10 का है गैप यहाँ, तो h है हमारे पास 10, और x जो p आपने x माइनस x नोड निकालना है, x इस बार आपको क्या दिया गया, 1964, दिस इज 1964, तो p निकल सकता है यहाँ से, p इज इक्वल टू x माइनस x नोड ओवर h, दिस इज इक्वल टू x कितना है हमारा,
1964 minus 1969 over 10. This is minus 5 over 10. This is minus 0.5. तो P आ गया हमारे पास माइनस का 0.5. 1/2 बचा ना, माइनस का हाफ. माइनस हाफ मीन्स माइनस 0.5. उसके बाद जो जो आपको जरूरत है, यहाँ वाई नोट चाहिए था हमें. वाई नोट हमारे पास लिखा नहीं है, हमने भी लिख लीजिए. यहाँ वाई नोट कितना है हमारे पास, 27. ये रहा. उसके बाद चाहिए हमें डेल्टा वाई ऑफ माइनस वन, फिर डेल्टा स्केयर वाई ऑफ माइनस. डेल्टा वाई माइनस वन क्या होगा, ये, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, एक्स माइनस वन. तो ये होगा हमारा डेल्टा वाई माइनस वन इज 7. डेल्टा स्केयर वाई, उसके बाद क्या चाहिए हमें, डेल्टा स्केयर वाई माइनस वन. दिस इज इक्वल टू डेल्टा स्केयर वाई माइनस वन इज दिस, क्योंकि ये हमारा डेल्टा वाई माइनस वन था, ये स्केयर रहेगा. तो दिस इज 5. अगेन डेल्टा क्यूब वाई, स्केयर वाला हो गया ना, क्यूब वाई माइनस टू. क्यूब वाई माइनस टू क्या होगा हमारा, 3. ये रहा. दिस इज इक्वल टू 3. एंड डेल्टा 4 वाई माइनस टू इज अगेन माइनस 7. और उसके बाद आ गया हमारे पास डेल्टा 5 वाई. यहाँ क्या है हमारे पास, माइनस 3. डेल्टा वाई माइनस 3 इज इक्वल टू दिस इज माइनस 10. यहाँ से आप देख भी सकते हो, ये आपके पास डेल्टा वाई माइनस 3, ये आएगा डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 3, ये डेल्टा क्यूब वाई माइनस 3, डेल्टा 4 वाई माइनस 3 एंड डेल्टा 5 माइनस 3. दिस इज माइनस 10. तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है. वैल्यू आ गई तो इस फॉर्मूले में आप फिल करो, आंसर आ जाएगा आपके पास. तो फिल कैसे करना है हमें, वैसे ही. अब हमारे पास वैल्यू तो निकल चुकी, तो इसको रफ कर दें, ये हमारे काम का नहीं है. तो गोस फॉर बैकवर्ड क्या कहता है हमारे पास, वाई नॉट एफ एक्स इज इक्वल टू, और x हमारा कितना है जो हमने फिल कर लिया है. यहाँ p निकालते समय आपने p किया था, दिस इज 94 1964. दिस इज इक्वल टू f ऑफ दिस, वैल्यू क्या आएगी इसकी, y नॉट. y नॉट कितना है हमारा, दिस इज 27 प्लस p. p क्या है, माइनस 0.5 इंटू डेल्टा ऑफ y माइनस 1. डेल्टा ऑफ y माइनस 1 इज 7 प्लस p प्लस 1 माइनस 0.5 प्लस 1, दिस इज प्लस 0.5 इंटू पी. दिस इज अगेन माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इज 2, और डेल्टा स्केयर बाय माइनस 1, दिस इज 5. फिर यहां आ गई पी प्लस 1. पी प्लस 1 मीन्स 0.5. पी पी इज माइनस 0.5. पी माइनस 1 इज माइनस 1.5 अपॉन 3 फैक्टोरियल इज 6. डेल्टा क्यूब वाई माइनस 2, डेल्टा क्यूब वाई माइनस 2 इज 3 प्लस. उसके बाद पी प्लस 2, पी प्लस 2 इज माइनस, सॉरी पी प्लस 2 इज 1.5, क्योंकि 0.5 है ना माइनस का, तो प्लस 2 करोगे तो 1.5 आएगा. पी प्लस 1 इज 0.5, पी इज माइनस 0.5 एंड p माइनस इज माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इज 24 एंड डेल्टा 4 बाय माइनस 2, दिस इज माइनस 7. उसके बाद p प्लस 2, प्लस p प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास बना ये 1.5. p प्लस 1 इज 0.5, p इज माइनस 0.5, p माइनस इज माइनस 1.5 एंड p माइनस 2 इज माइनस 2.5 divided by 5 factorial is 120 and delta 5 minus 3 is minus 10. तो इसको simplify करिए, इसको simplify करने के बाद ये calculation ही है, इससे answer निकल जाएगा आपके पास. This is F, ये मैं नहीं करवाने वाला, आप खुद करना try इसको. F 1964, this is ये आएगा आपके पास 23.015 आ जाए या 16 आ जाए, यही आएगा, check कर लेना.
दिस इज 23015 या 16, दोनों में से जो मर्जी आ जाए, लेकिन दो डिजिट तक कम से कम मैच करना चाहिए, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ट्राई करना ऐसे क्वेश्चन, एज इट इज ही करना है आपने। थैंक यू।